हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि 10 सितंबर के बाद में मैं इस चैनल पर कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाऊंगा कि अगर आप लोग पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाएं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएं, क्या उसके लिए अप्रोच होनी चाहिए, कहाँ से रिकॉर्डिंग करें, कैसे थंबनेल बनाएं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और दूसरी बात यह कि पूरी तरीके से ऑफ टॉपिक वीडियो है, पढ़ाई से रिलेटेड बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। इस चैनल पर पहली बार इस तरीके से आप लोगों को ये वीडियो इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले इस चैनल पर इस तरीके के वीडियोज़ नहीं आए थे। तो जो लोग हार्ड एंड कोर पढ़ने वाले हैं, जिनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, आप लोग अभी इस वीडियो को देखना बंद कर दीजिए। बिल्कुल आपके लिए ये काम का वीडियो नहीं है, आप लोग ये वीडियो मत देखिए, ठीक है ना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स के लिए बनाया जा रहा है, जो लोग पढ़ाना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाना चाहते हैं, एज टीचिंग करना चाहते हैं। कई बार होता क्या है कि लोगों के काफ़ी सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं, अच्छे नंबर उनके आ रहे होते हैं, और उनका पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले आ पा रहे होते हैं, मतलब उनको नहीं मिल पा रहा होता। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं। तो टीचिंग स्टार्ट करने के लिए कैसे कैसे क्या किया जाए, क्या सेटअप हो, रिकॉर्डिंग कैसे करें, कैसे पढ़ाई, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, तो उन सारी चीज़ों पर इसमें बताया जाएगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। अभी आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और मतलब आप लोग जा सकते हैं। और जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए ये ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहने वाला है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ऑडियंस पढ़ने वाली है। तो कई बार लोग होता क्या है कि वीडियो के नीचे आके ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं ये क्या बना दिया, हम तो पढ़ने वाले हैं, ये है वो, फालतू की वीडियोज़ हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं उनको पहले से ही आगाह कर दिया जा रहा है कि बाद में मतलब अननेसेसरी ज्ञान वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में ना दें, ठीक है। और ये उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जो क्रिएटर्स हैं। तो क्रिएटर कई टाइप के हो सकते हैं, चाहे आप पढ़ा सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कुछ और काम कर सकते हैं। जो आपका स्किल है उसको आप यूट्यूब पर उस मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शो कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास में टाइम बचता है आपके काम के बाद में तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। चीज़ें धीरे धीरे ग्रो कर जाती हैं और उसके बाद में होता क्या है कि एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग भी आपका यहाँ से डेवलप होता है। चीज़ें हिट हो जाती हैं, चीज़ें आपकी वर्क करने लगती हैं, तो फिर आप अच्छा पैसा भी यहाँ से कमा सकते हो। तो अगर आप वर्किंग हैं, बैंक वैंक में जॉब करते हैं या कुछ और भी करते हैं और आप यूट्यूब पे टाइम आपके पास में बच रहा है तो आप यूट्यूब पर बिल्कुल आइए। आप अपनी चीज़ों को, अपने स्किल को यहाँ पर दिखाइए और चीज़ें बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाली हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर यूट्यूब पर आप लोग आ रहे हैं और YouTube पे कंटेंट बना रहे हैं, चाहे फिर वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या फिर कुछ और हो, तो आपको ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना है कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में चीज़ें ग्रो कर जाएंगी। एक लंबा टाइम देना होता है, लगभग साल भर 1.5 साल का टाइम यहाँ पे देना होता है। आपको कंटिन्यू बने रहना होता है, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी होती है, कंटेंट आपको ऑथेंटिक देना होता है, ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करना होता है और कुछ ऐसा कंटेंट बनाना होता है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, जिससे लोगों को बेनिफिट हो, ये मेरा मानना है। हालांकि लोग रील्स वगैरह बना के, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बना के फालतू के कंटेंट बना के भी हिट हो रहे हैं, लेकिन मैं ना तो उसको प्रमोट करता हूँ ना वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये करना पसंद करता हूँ कि जैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, उनके लाइफ में कुछ चेंजेज आए, उनको कुछ बेनिफिट मिले, इस तरीके के कंटेंट को मैं प्रमोट करता हूँ और वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। रील्स वगैरह भी आप बनाना चाहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, फालतू की वीडियोस अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी जरिया, उसमें भी लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं। अपने अपने स्किल पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन उधर ना जाके मैं बात करूँगा कि पढ़ाना कैसे क्या है, क्या करना होता है, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा लिमिटेड ही करेंगे, कई सारे वीडियोज़ इसमें इस सीरीज़ में आप लोगों को मिलने वाले हैं एक एक करके। और आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए होगा। आज मैं बात करूंगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लेके आप आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है, उस सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होगा। और ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट आपको आ रहा है, आप उसको डिलीवर कितना अच्छा कर पा रहे हैं, आप उसको दूसरों को समझा कितना अच्छा पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो आपकी टीचिंग स्किल मैटर करती है। कई बार होता क्या कि लोग खुद तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन अगले को नहीं समझा पाते हैं, कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ें अगर हैं तो आप मतलब ना ही आइए, क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हालांकि इन सारी चीज़ों पे भी काम करके सुधार किया जा सकता है, इतना पेशेंस है, इतना टाइम है, तो बिल्कुल आइए। तो पहली बात तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस पर आप काम करना स्टार्ट कीजिए और वो पढ़ाना स्टार्ट करिए। आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, आप मैथ स्टार्ट कर सकते हैं, आप रीजनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स, आप इंग्लिश, आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, आप जनरल अवेयरनेस, आप हिंदी, आप कंप्यूटर, आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपका स्किल है उस पर आप मतलब काम करिए, वो सब्जेक्ट चूज़ करिए और आप उसको पढ़ाना स्टार्ट करिए।
मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन मांगेंगे आप लोग, और मैं अपना अगर इंडिविजुअल ओपिनियन देता हूँ तो मुझे जो लगता है कि सबसे टफ पढ़ाना क्या होता है, सबसे ज़्यादा टफ होता है पढ़ाने के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आपको डेली का डेली पढ़ना होता है, जिसमें आपको डेली का डेली पढ़ना होता है, आपको बिल्कुल भी एक दिन का गैप नहीं मिलता, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स बदल रहा होता है, डेली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही होती हैं, तो आपको लग के काम करना होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड रहना होता है, आपको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं मिलने वाला। आप कहीं घूमने उमने अगर जाना चाहते हैं, 2-4-10 दिन का प्लान करते हैं, तो वो आपके लिए टफ़ हो जाता है एग्ज़ाम टाइम पर, तो और ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, क्योंकि आपके पास में टाइम रहता नहीं है और एग्ज़ाम लगा हुआ होता है, डेली डेली चीज़ें बदल रही होती हैं, तो ये थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। हालांकि आप मतलब प्लान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर आप घूम फिर के जब आएंगे तो फिर आपके पास में एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, 5-6 दिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ाना और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाना, या फिर वो सारी चीज़ पढ़ाना जिसमें चीज़ें डेली बदल रही हैं, डेली आपको पढ़ना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा मुझे टफ़ लगता है, तो वो मैं थोड़ा सा सजेस्ट नहीं करूँगा, मतलब मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा नहीं सही रहेगा, क्योंकि डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेली आपको लग के रहना काम करना पड़ेगा, रात रात भर जगना पड़ता है। ठीक है, ये इसके इन दोनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें मैथ्स की रीजनिंग की, तो इसमें होता क्या है कि एक बार 3-4 महीने की मेहनत होती है, एक बार आप अपना कंटेंट अच्छे से रेडी कर लेते हैं, तो फिर वही सारी चीज़ें आपको हमेशा पढ़ाना है। एक बार आपने कंटेंट अपना रेडी कर लिया, आपने एक बार पीडीएफ वगैरह अपनी रेडी कर लिया, आपने वर्ड फाइल में सारे के सारे कंटेंट आपने अगर बना लिए, तो फिर ये आपके लिए इजी हो जाता है, वही चीज़ें पढ़ानी होती हैं। ठीक ना, नाम वगैरह चेंज करके फिर दूसरे फ्रेम फॉर्मेट में क्वेश्चंस आप लोगों को फ्रेम कर देना होता है, कॉन्सेप्ट सारे मतलब सेम होते हैं, तो फिर अगर वो चीज़ आप ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती है, 3-4 महीने की मेहनत होती है, कंटेंट एक बार बढ़ा लो बना लो, उसके बाद में वही चीज़ें आपको पढ़ानी है किसी भी बैंक एग्ज़ाम के लिए, किसी भी SSC एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, किसी भी SSC एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर लो, बस वही चीज़ें आपको रिपीटेटिव मोड में लगातार आपको पढ़ाते रहना होता है। यही चीज़ बैंक के साथ में मैथ्स के साथ में होती है, यही सारी चीज़ें रीजनिंग के साथ में होती हैं। और अगर आप टीचर बनना ही चाहते हैं, तो मैं ये बैंक और SSC के फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसमें आने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप इस मार्केट में सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि क्या है ना कि मैथ्स और रीजनिंग के काफ़ी सारे रिनाउंड फैकल्टीज़ हैं ऑलरेडी, और उन्होंने अपनी जगह बना रखी है। ठीक ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट उन्हीं से पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी चीज़ें समझ में आती हैं, फिर आपको एक नई जगह बनानी होगी मार्केट में, नए और नई जगह बनाने के लिए, अपना स्पेस बनाने के लिए कंटेंट आपको अच्छा देना होगा, कंटेंट डिलीवर बहुत अच्छे से करना होगा, ऑडियंस इंगेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों को आप समझा अच्छे से पाओ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पहले से पुराने टीचर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, आपको नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि अभी पॉसिबिलिटीज़ होंगी और ये सब करने में टाइम लगेगा, 1.5 साल का टाइम लग जाएगा, लोग बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आना है तो फिर शिद्दत से आना है, कि छोड़ना नहीं है हमें, 1.5 साल 2 साल देंगे, चीज़ें फ्री में कर रहे हैं, जैसे जो भी हो रहा है रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं, फिर एक बार चीज़ें मोनेटाइज हो जाएंगे, फिर आपके पास में अच्छे ऑफर्स होंगे और अच्छी अर्निंग भी आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बैंक और SSC ही पढ़ाना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के सब्जेक्ट को भी चूज़ कर सकते हो, उस स्टेट में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपको पता होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं वो चूज़ कर सकते हो, जैसे बैंकिंग मैथ्स वगैरह काफ़ी टफ़ हो जाती है, लेकिन अगर आप यूपी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बैंकिंग मैथ्स वगैरह टफ़ होती है और आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो यूपी में एक पेपर होता है PET का, PET का एग्ज़ाम हर साल होता है, और उसकी मैथ्स वगैरह जो होती है बहुत ज़्यादा ईजी होती है, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, उसको आप पढ़ाओ, ज़रूरी नहीं कि बैंकिंग में पढ़ाओ, उसमें भी ऑडियंस भी नहीं है, आप थोड़ा अगर मैथ अच्छी है तो वहाँ पे पढ़ा सकते हो, टीचिंग में आप जा सकते हो, सीटेट के लिए आप पढ़ा सकते हो मैथमेटिक्स वगैरह, या फिर और भी जो स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आती हैं उसमें जो जो भी सब्जेक्ट आते हैं आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। आपको अपनी ऑडियंस पहचानना होगा, एक आपको नीश डिसाइड करना होगा कि किसके लिए आपको पढ़ाना है, ठीक है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। बैंकिंग SSC में अगर आपको लग रही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे अपनी जगह बना पाना थोड़ा सा टफ है, तो आप अपने स्टेट को टारगेट करो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में जो भी वैकेंसीज आती हैं उसको टारगेट करो, उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो उसको देख लो, क्योंकि मैथ्स वहाँ पर भी आती है, रीजनिंग वहाँ पर भी आती है, स्टेट का GS वहाँ पर भी आता है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर आता ही होगा, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी पढ़ा सकते हो, और बैंकिंग और SSC के कंपेरिजन में वहाँ पर ये चीज़ें ईजी होती हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, इस तरीके से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो।
टीचिंग एग्ज़ाम में पढ़ा सकते हो, सीटेट के लिए पढ़ा सकते हो, स्टेट टेट के लिए पढ़ा सकते हो, सुपर टेट आता है उसके लिए आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज आती हैं उसमें भी आप पढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे वैकेंसीज आती हैं और आप लिमिटेड एक ऑडियंस रहेगी, आप अपने स्टेट के लिए भी पढ़ा सकते हो और अच्छा कर सकते हो। कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन करनी है, कंटेंट डिलीवर बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल ऑडियंस के साथ में लॉयल रहना है, जो कमिटमेंट करना है वो कर मतलब कर दिया फिर उसको करना है, और लगातार बने रहना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करके YouTube पे पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बात हो गई सब्जेक्ट चूज़ करने की। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, 10-10, 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाएँ, कहाँ से कंटेंट उठाएँ, कहाँ से कंटेंट उठाएं और क्या सब्जेक्ट पढ़ाएं। अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए होगा वो आप बता दीजिएगा, तो उस पर मैं कर दूंगा। अदरवाइज मैंने कुछ प्लान कर रखा है कि सीक्वेंस वे में ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो कि एक क्रिएटर्स को जानना ज़रूरी होता है, जिसमें एक क्रिएटर्स जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैंने अभी बात कर ली सब्जेक्ट की कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएं, कहाँ से मतलब क्या हमको किस फील्ड में जाना चाहिए, बैंकिंग में जाना चाहिए, एसएससी में जाना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहिए या टीचिंग में जाना चाहिए। यहाँ से आप अपने क्षमता के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से चीज़ों को चूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि कंटेंट कहाँ से उठाएं, कंटेंट कैसे फ्रेम करें। देखो होता क्या है ना, सबसे पहले तो आप उसका सिलेबस देख लो, ठीक ना। सिलेबस देखने के बाद में प्रीवियस ईयर्स पेपर देखो, प्रीवियस ईयर्स पेपर देखने के बाद में आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता लगेगा। जैसे क्या होता है, जैसे स्टेट यूपी स्टेट की मैं बात करूँ, तो जो पीईटी एग्ज़ाम होता है उसमें भी परसेंटेज आता है, उसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसमें भी BSI CI आता है, ठीक है। लेकिन उसका जो लेवल होता है वो जो बैंक का लेवल होता है, जो SSC का लेवल होता है, उससे बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये एनालिसिस थोड़ा सा आपको करना होगा कि आपको किस लेवल का पढ़ाना है, तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप सॉल्व करोगे, देखोगे। तो आपको करना क्या है, कंटेंट के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी बुक्स आती हैं, चाहे फिर वो हार्ड कॉपी हो या फिर PDF वगैरह के फॉर्मेट में हो, वो आपको देखना है और उसका सिलेबस देख लेना है। पहले तो सिलेबस देख लो, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कंटेंट आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एग्ज़ाम का रियल एग्ज़ाम का क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना होता है। PDF अगर आप जैसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाएंगे तो वहीं से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप उसको भी उठा के आप पढ़ा सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप पढ़ा सकते हो। कॉपीराइट का क्लेम तो आएगा अगर डिक्टो किसी का कंटेंट उठाते हो, तो डिक्टो तो किसी के कंटेंट आपको नहीं लेना है। आपको करना क्या है कि PDF वगैरह आती हैं वहाँ से लेके उनकी PDFs में, जैसे एक क्वेश्चन मैं फ्रेम करके बता रहा हूँ कि जैसे राम एक काम को 3 दिन में कर सकता है, श्याम एक काम को 5 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपको PDF में मिला। कंटेंट जो बनता है लोग, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, तो आपको क्या कर देना है, राम की जगह पर रोहित कर देना है, श्याम की जगह पर राहुल कर देना है, बाकी चीज़ें सेम कर देनी है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम कर लेने, और ये तो प्रैक्टिस चीज़ें कराएंगे, प्रैक्टिस में कराएंगे क्वेश्चंस, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाना होगा अगर मैथमेटिक्स में जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी तरीके से रीजनिंग में, इसी तरीके से इंग्लिश में, इसी तरीके से GS में। करंट अफेयर्स किसी के बाप का नहीं होता है, करंट अफेयर्स के लिए सारी की सारी वेबसाइट्स सब लोग द हिंदू से, बिजनेस स्टैंडर्ड से, इंडियन एक्सप्रेस से, और जो GK टुडे से, इन जागरण जोश से, यहीं से कंटेंट उठाते हैं। तो यहाँ से पढ़ के आपको अपने वर्डिंग दे देनी है, समझ के अपनी वर्डिंग दे देनी, अपने तरीके से फ्रेम कर देना। तो इस तरीके से लोग कंटेंट बनाते हैं, यहाँ से आप इस तरीके से करके कंटेंट आप मतलब ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पढ़ो, जो आप कॉन्सेप्ट समझाएंगे बच्चों को मैथ्स में या रीजनिंग में, वो आपका अपना ही रहेगा, और उसमें भी किसी का कॉपीराइट क्लेम नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है। तो आप भी जब किसी से पढ़े होंगे तो जो आपको चीज़ें समझ में आएंगी उसको आप और बेहतर तरीके से समझाइए बच्चों को, तो कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। क्वेश्चन आप इस तरीके से उठा सकते हैं, PDFs वगैरह बहुत ज़्यादा बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ से लेके आप अपना कंटेंट फ्रेम कर दीजिए। इस तरीके से होता है मैथ्स वगैरह में, और ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, बहुत सारे कंपनीज़ हैं, उनके भी नाम मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को, जो क्या करते हैं कि अपने कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे कंटेंट को पढ़ाओ, बस उनको क्रेडिट देना होता है, उनका नाम बता दो कि मैंने यहाँ से कंटेंट लिया और इनके कंटेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके क्वेश्चंस आप करा रहा हूँ। इस तरीके से भी मतलब पार्टनरशिप अवेलेबल होती है, एफिलिएट बोलते हैं हम लोग इसको, एफिलिएशन भी इस तरीके से अवेलेबल होता है मार्केट में, आप इस तरीके से एफिलिएट करके उनके कंटेंट को भी आप पढ़ा सकते हो, ठीक ना। यही सारी चीज़ें मैथ्स में रहेंगी, यही सारी चीज़ें रीजनिंग में रहेंगी, इंग्लिश में भी यही चीज़ें रहेंगी। जो ग्रामर आपको पढ़ाना है, जो टेंसेज आपको पढ़ाने हैं, वो इसी तरीके से कराने हैं। करंट अफेयर्स में मैंने बोला किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ेगी। 2-3 न्यूज वेबसाइट आपको पकड़ लेना है जो अच्छी हो, जहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे कंटेंट आते हों, वहाँ से आपको करना क्या है, दिन भर की
10 या 15 खबरें पढ़ लेनी है, और उसके बाद में आप उसको चाहो तो आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहे तो फिर आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ के जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, न्यूज के फॉर्मेट में भी आप बता सकते हो, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, बता सकते हो कि अभी G20 वाली मीटिंग हुई तो G20 से संबंधित सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लो, सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लो एक बार, और उसके कुछ नोट्स वगैरह बना के अपने सामने रख लो। नोट्स तो थोड़ा बहुत बनाने पड़ेंगे, पॉइंटर तो थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कंटेंट होता है इतना ज़्यादा है कि कहीं कोई चीज़ आप भूल ना जाओ, इस पर भी फोकस करना होता है कि हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को पूरी की पूरी चीज़ें डिलीवर करें, कहीं पर कुछ ना कुछ मतलब कुछ भूल ना जाएं। क्योंकि होता क्या कि अगर आपने कोई भी एक न्यूज़ कवर की और उससे संबंधित कुछ भी चीज़ें भूल गए तो फिर वो होगा क्या कि एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछ ली जाएंगी, तो आपको लगेगा, बच्चों को भी लगेगा कि पढ़ाया गया, लेकिन वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप GK Today, जागरण जोश और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स आता है, वहाँ से पढ़ो और अपने शॉर्ट नोट्स बना लो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, वो आप आके पढ़ा सकते हो। करंट अफेयर्स में किसी का कोई क्लेम नहीं होता है, कॉपीराइट क्लेम करंट अफेयर्स में तब होता है जब GK वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर दो, कहीं पर कोई भी चेंजेस ना हो, वो आप करते नहीं हो, वो आपको करना नहीं, वैसे भी नहीं करना, किसी के कंटेंट हमें क्यों लेना। तो इस तरीके से आप कंटेंट भी आप मतलब ले सकते हो, उठा सकते हो। द हिंदू के इंटरनेशनल न्यूज़ आप कवर कर लो, द हिंदू के जो बिज़नेस और इकोनॉमी वाली न्यूज़ होती है वो आप कवर कर सकते हो, अच्छा कंटेंट मिलता है, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता है, लेकिन इसकी इंग्लिश थोड़ा सा टफ हो जाती है, तो आप बिज़नेस स्टैंडर्ड पर मूव कर सकते हो, इसकी इंग्लिश थोड़ा सा ईजी होती है और कंटेंट यहाँ पर भी बहुत अच्छा मिल जाता है। हिंदी में भी ये सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बिज़नेस स्टैंडर्ड का अवेलेबल है, हिंदी में GK Today अवेलेबल है, हिंदी में जागरण जोश अवेलेबल है, सारे लोग यहीं से ऐसे कंटेंट उठाते हैं, यहीं से पढ़ पढ़ के फिर ये चीज़ें आप लोगों को करना होता है। PIB भी आप फोकस कर सकते हो, PIB से पे जो न्यूज़ आती है उसको आप पढ़ा सकते हो, अच्छा समराइज करके यहाँ पे देते हैं लोग। दृष्टि IAS पे भी अच्छे कंटेंट आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, वहाँ से पढ़ के आप अपनी वर्डिंग देके आप उसको पढ़ा सकते हो। मेन चीज़ें जो मैटर करती हैं कि आप कंटेंट डिलीवर कितना अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा आप बच्चों को समझा पा रहे हो, ठीक ना, क्योंकि पढ़ा तो सब रहे हैं, और जब पढ़ाना है तो ऐसा मी मा म्याऊ नहीं करना है ना, मतलब ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस ले आना है। शुरू के 2-3 वीडियोस में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कैमरा फेस नहीं कर पाओगे, बोल अच्छे से नहीं पाओगे, वो चलता है प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी। मेरे शुरू की वीडियोस उठा के देख लो, एकदम वही हालत थी मेरी ना, कि लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा है, ऐसा जो एक मीम्स आजकल वायरल हो रहा है सीमा हैदर वाला, वैसे मैं भी था, नहीं कैमरा फेस कर पाता था, कैमरा देखने के बजाय मैं इधर उधर देखता था, डरता था, नहीं बोल पाता था, लेकिन आज देखो चीज़ें फ्लो में हो गई हैं, 3-4-5-6 वीडियो के बाद में कॉन्फिडेंस आने लगता है। अब तो मैं धारा प्रवाह मतलब कहीं पर भी कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई भी कंटेंट पढ़ा सकता हूँ, और आप लोग देख रहे हैं, तो वो चीज़ें टाइम के साथ में आएंगी। आदमी इवॉल्व होता है, अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है, वो चीज़ें टाइम के साथ में आएंगी। 2-4-10 वीडियो बना दो, बना के ना यूट्यूब पर अपलोड करो, खुद देख लो कि हाँ मैंने बनाया, कैसे मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद में डिलीट मार दो। 2-4 वीडियो बनाने के बाद में आप इस तरीके से करो, आपने ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और कंटेंट अच्छा दो। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी काम करो कंटेंट पे करो, क्योंकि जो बोलता है कंटेंट बोलता है। वाहियात कंटेंट बना रहे हैं लोग, उनको नीचे गालियाँ भी पड़ती हैं, लेकिन उस तरीके से काम करने का मतलब क्या बनना है। जो काम करो दिल से करो, शिद्दत से करो, अच्छा करो, क्योंकि चीज़ें अगर ग्रो कर जाएँ तो आप कहने बताने लायक भी रहो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने पढ़ाया बच्चों, कितने सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ आया, मैंने इतनी मेहनत की, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब अगर आप काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। इस तरीके से आप मतलब कंटेंट चूज कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया, आप अपने स्ट्रांग एरियाज देखो, आप अपना स्ट्रांग सब्जेक्ट देखो, उसमें आप पढ़ाने का स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसको बेसिकली यूट्यूब वर्ड में इसको एक नीस के नाम से जानते हैं, कि आप किस नीस में जा रहे हो, एजुकेशन में जा रहे हो तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो इसको नीस बोलते हैं। आपको सबसे पहले अपना नीस डिसाइड करना है कि क्या पढ़ाना है, बैंक का पढ़ाना है कि SSC का पढ़ाना है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ाना है, या टीचिंग के लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ाना है, और इसमें से भी क्या पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ानी है, रीजनिंग पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, करंट अफेयर्स पढ़ाना है, GS पढ़ाना है, कंप्यूटर पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है। ये चीज़ें आप डिसाइड करके कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। आज बात सिर्फ और सिर्फ कंटेंट कहाँ से लेना है इसकी होगी, और कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है इसकी होगी। तो मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको कवर कर दी हैं। इस हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। कंटेंट कैसे लिया जाता है, कैसे लेना होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। प्रीवियस ईयर्स पेपर से आपको मतलब कंटेंट मिल जाएगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप पढ़ा सकते हो, कॉन्सेप्ट्स आपके रहेंगे। बाकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, और कुछ कंपनीज होती हैं जो टाई अप करती हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड कर सकती हैं, उनसे भी आप टाई अप करके कंटेंट ले सकते हो, उनके कंटेंट को आप पढ़ा सकते हो, उनको क्रेडिट देना होगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ नीस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। इसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा, मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि क्या रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है रिकॉर्डिंग करने के लिए,
जो कि लो बजट में हम लोग कर सकते हैं, या जो हमारे पास में 10-15 हज़ार खर्च करने का बजट है उसमें कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा, ये मेरी मतलब प्लानिंग है। अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बताओ, उसका भी वीडियो मैं पहले कर दूंगा, उसके बाद में सारी चीज़ें कर दूंगा। नहीं तो मैंने एक सीक्वेंस प्लान कर रखा है, उस तरीके से मैं 8-10 वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।